जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आगरा से खबर आ रही है। आगरा थाना सिकंदरा को मिली बड़ी कामयाबी। आगरा थाना सिकंदरा पुलिस ने द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। थाना सिकंदरा में हत्या की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी के संदर्भ में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय ने अच्छा काम किया है। आगरा से क्राइम रिपोर्ट असलम अली की रिपोर्ट, जगत न्यूज 24। दिनांक 22/9/2022 को सिकंदरा पुलिस को अज्ञात महिला का शव मिला था। पुलिस ने उस शव को नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए उस पर मुकदमा बनाया था। तब तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी और कोई आ नहीं पाया था परिवारजन वाले, उसका पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्मॉदरिंग आया। तब से हम पुलिस वाले इस में लग गए कि ये हत्या का मामला हो सकता है और इसकी जांच शुरू कर दी और इनके परिवारजनों को खोज कर पता लगाया गया, जिनमें श्री अमरनाथ पुत्र केवल राम निवासी रजीश को जनवरी जगनेर रोड थाना मलपुरा के रहने वाले इनके रिश्तेदार ने तहरीर दी और उस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही थी और जाँच के दरमियान इस प्रकार निकल के आए कि महिला जो है वो उनके हस्बैंड 6 वर्ष पूर्व उनका देहांत हो गया था और इसके बाद जिस मकान में महिला रह रही थी उसी मकान में हृदेश गौतम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसमें इन दोनों का संबंध बन गया था और वो व्यक्ति उनको ये झांसा दिया करता था कि वो इनसे विवाह करेगा। अगर महिला ने विवाह करने का जोर ज़्यादा कर दिया तो वो एक माह पूर्व हत्या के एक माह पूर्व वो मकान खाली करके कहीं और चला गया और उससे मिलना जुलना बात कम हो गया, लेकिन महिला के दबाव के कारण उसने ये घटना को पारित किया और बॉडी को डिस्पोज कर दिया। ये पूरा घटना पुलिस ने खोल लिया है और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके उसको जेल में जा रहा है।